खबर मकराना से है, जहां बैंक ऋण चुकाए बिना षड्यंत्र पूर्वक फ्रॉड कर संपत्ति बेचान करने के एक मामला जरिए न्यायालय इसका सा प्रकाश में आया है। वहीं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में पुलिस थाना मकराना को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लगभग एक सप्ताह बीतने को है, मगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता दिनेश कुमार सोनी ने न्यायालय में पुलिस लापरवाही एवं न्यायालय आदेशों की अवमानना बताते हुए पुलिस के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की गुहार लगाई है। एडवोकेट दिनेश कुमार सोनी ने बताया कि मैसर्स हाजी जान मोहम्मद गोड़ एंड सन्स गोडावास मकराना, पार्टनर अशफाक अहमद परवीन बेगम के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मकराना के मैनेजर समीर जैन ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। इस्तगासा में बताया है कि आरोपी ने अपने खाता पार्टनरशिप के द्वारा 28 जनवरी 2011 को कैश क्रेडिट के तहत बैंक से 10 लाख का ऋण लिया था। समय पर ऋण अदायगी नहीं होने पर उक्त शाखा PNA हो गया। बैंक के अधिकारी लोन ऑफिसर ललिता चौधरी, जितेंद्र अन्य मौके पर गए तो पता चला कि बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति पर हीरा मार्बल एंड टाइल्स का बोर्ड लगा था। पूछताछ पर पता चला कि प्रॉपर्टी जो बैंक में गिरवी रखी थी खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया है, जबकि गिरवी प्रॉपर्टी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही किसी को स्थानांतरित किया जा सकता था। आरोपियों ने बेईमानी से षड्यंत्र कर छल एवं आपराधिक न्याय भंग का अपराध खारिज किया है। न्यायालय ने संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 420, 406, 120 बी के तहत दर्ज कर अनुसंधान कर कार्रवाई के निर्देश पुलिस थाना मकराना को दिए हैं। अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में आप द्वारा एक SBI बैंक की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था 420, 406, 120 बी IPC के तहत। क्या पूरा मामला है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? SBI बैंक जेसी चौक ब्रांच में हाजी जान मोहम्मद गौड़ एंड सन्स गोड़ाबास, इनके पार्टनर अशफाक अहमद पुत्र हाजी जान मोहम्मद और परवीन बेगम गौड़ पत्नी अशफाक अहमद, इनके द्वारा, इस फर्म के द्वारा SBI बैंक जेसी चौक में लोन लिया गया था किसी प्रॉपर्टी के, इनको मॉर्गेज करके, जिस मॉर्गेज की भी प्रॉपर्टी है उसको इन्होंने बिना बैंक में लोन चुकाए उसे बेचान कर दिया, बिना बंधक रहन मुक्त किए उसको बेचान कर दिया। बेचान करके उन्होंने फ्रॉड का अपराध कारित किया है, जिसके संबंध में जेसी चौक ब्रांच के मैनेजर समीर जैन के द्वारा पुलिस थाने में मकड़ा में FIR दी थी। दर्ज नहीं होने पर इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया 400-406 में। इस्तगासा हमने पेश किया था 31-1 को और 4 फरवरी को न्यायालय SEJM माननीय हमारे जज साहिबा हैं सोनल जी, उनके द्वारा ये 156(3) CRPC के तहत में SHO मकराना को मुकदमा दर्ज कर FIR दर्ज कर और जांच कर नतीजा पेश करने के आदेश किए गए हैं। उसके बावजूद भी आज 8 तारीख हो गई है, 7 फरवरी होने के बावजूद भी आज तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इसके लिए क्या अग्रिम कार्रवाई के लिए आप करेंगे? न्यायालय में भी पेश करेंगे, थानाधिकारी के खिलाफ में ये ऑनरेबल न्यायालय के आदेश की पालना कराने के लिए कोर्ट बनता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की इसलिए निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो हमने आज वही आवेदन पेश किया है कि SHO के खिलाफ में माननीय न्यायालय की आदेश की पालना नहीं करके अवहेलना की गई है, इसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए हमें प्राप्त पत्र पेश किया गया है।